जय श्री राम एवरीवन। हम आगे पढ़ते हैं अपने सेक्शन 28 को। सेक्शन 28 में पीजीबीपी में लास्ट टाइम हमने बेटा पहला पॉइंट 5 पॉइंट तकरीबन कवर कर लिए थे, 5 पॉइंट्स। और 5 पॉइंट्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट था द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज कैरिड ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 3 पॉइंट हमारे बेटा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को लेकर थे, जिसमें ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक थी या इंपोर्ट लाइसेंस को सेल किया था हमने, या ड्यूटी ड्रॉबैक थी, कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट थी। 4th पॉइंट हमारा जो था, हमने जो पढ़ा था यहाँ पर, वो सैलरी बोनस कमीशन वाला था, पर हमने वो छोड़ दिया था। उसके बाद एक और पॉइंट पढ़ा था हमने, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स वाला, वो आपको कवर करा दिया था। और एक हमने एसोसिएशन वाला पॉइंट पढ़ा था। तो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और एक बार क्विकली हम इन पॉइंट्स पर भी नज़र मार लेंगे, राइट, जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। चलिए बेटा, पहला पॉइंट हमारा था जो हमने रीड कर लिया था, जो हमने अपना समझ लिया था, दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज कैरिड ऑन बाय द असेसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसमें हमने डिफरेंस पढ़ लिया था प्रॉफिट एंड गेन्स का और बिजनेस और प्रोफेशन का डिफरेंस पढ़ लिया था एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये 3 पॉइंट हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को लेकर थे, जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के पॉइंट थे जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने ये 5th पॉइंट छोड़ दिया था, जिसको हम आज कवर करेंगे। और 6th पॉइंट हमने पढ़ लिया था, 7th हमने पढ़ लिया था। चलिए तो अब हम सबसे पहले एक बार फिर ओवरव्यू कर लेते हैं बेटा। सेक्शन 28 पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है, ये सेक्शन 28 हमें बता रहा है ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिन पर पीजीबीपी में टैक्स लगेगा, जिनकी इनकम पीजीबीपी में कंप्यूट होगी, जिनमें हमने 5 इनकम अभी तक पढ़ ली है। 5 इनकम के बाद, 5 इनकम्स के बाद हमारी एक इनकम है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम पढ़िए, अगर इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, अगर पार्टनर के द्वारा क्या क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट सैलरी बोनस एंड कमीशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फॉर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर, जिसमें वो पार्टनर है। इस पॉइंट को बहुत डिटेल में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है, राइट, और इससे बहुत कुछ आपको क्लियर भी होगा। देखते हैं बेटा, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है हमारी। पार्टनरशिप फॉर्म में नॉर्मल सी बात है, अगर हम डिस्कस करें पार्टनरशिप फॉर्म में, ये एक हम नॉर्मल P&L बनाते हैं बेटा। फर्म में अगर हमारा GP सपोज 50 लाख है, राइट, फर्म में हमारा GP सपोज 50 लाख है और हमारे 3 पार्टनर हैं, पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C, चलिए 4 पार्टनर कर देते हैं, पार्टनर D, हमारे 4 पार्टनर हैं, चारों पार्टनर, हमारा फर्म का GP ऑल एक्सपेंसेस के बाद, मतलब NP मान लीजिए, सारे एक्सपेंसेस के बाद, मतलब फर्म का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 50 लाख आ रहा है, फॉर एग्जांपल। अब फर्म में 4 पार्टनर हैं, चारों ने आपस में 10-10 लाख सैलरी ले ली पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को क्या मिल गई है, सैलरी, राइट, चारों पार्टनर्स ने आपस में सैलरी बांट ली, ध्यान से समझिएगा, ये सैलरी होगी। फर्म का नेट प्रॉफिट हो गया 50 लाख जी, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम एग्जाम्पल्स का मीनिंग भी सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनका वही NP या GP 50 लाख आ रहा है, और A, B, C, D, मतलब ऐसे मान लीजिए, आपको आसानी से समझ आएगा, GP आ रहा था हमारा 80 लाख का,
हमारे ऑल एक्सपेंसेस थे 30 लाख के, हमारा नेट प्रॉफिट था 50 लाख। सेम यहाँ पे था, यहाँ पे भी इसको थोड़ा ठीक करते हैं, हमारा जो जीपी था वो आ रहा था 80 लाख का, एक्सपेंसेस आ रहे थे ऑल एक्सपेंसेस 30 लाख के, 50 लाख एनपी आ गया, एनपी में से ऑल एक्सपेंसेस, एनपी में से चार पार्टनर्स के ए बी सी डी हमने सैलरी दे दी यहाँ पर, और यहाँ पर सैलरी दे दी हमने, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बन गया 10 लाख, राइट। यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है 80 माइनस 30 50 लाख, क्योंकि हमने यहाँ पर सैलरी नहीं दी पार्टनर्स, पहले बात समझ आ रही है, यहाँ पर हमने सैलरी नहीं दी और यहाँ पर हमने पार्टनर्स को सैलरी दे दी, इसलिए हमारा एनपी आ रहा है 10 लाख। बेटा पहले एग्जांपल समझ आए आपको दोनों, अभी अभी इनमें करा कुछ नहीं हमने, बस दो अलग अलग एग्जांपल लिख लिए हैं। पहले एग्जांपल में भी हमने 80 लाख कमाया, इस एग्जांपल में भी 80 लाख कमाया, ऑल एक्सपेंसेस की रिडक्शन यहाँ 30 लाख मिल गई, 50 लाख नेट प्रॉफिट आने चाहिए थे, पर यहाँ चारों पार्टनर को 10-10 लाख की सैलरी दे दी, इसलिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट 10 लाख आ रहा है। यहाँ पर बेटा कुछ भी सैलरी नहीं दी, यहाँ पर इसलिए नेट प्रॉफिट 50 लाख आ रहा है। बेटा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर टैक्सेशन क्या होंगे, यहाँ पर जो फॉर्म है, फॉर्म पर टैक्स लग जाएगा 50 लाख का 30%। आपको पता होगा फ्लैट रेट होता है फॉर्म के लिए, 50 लाख का 30% कितना हो गया 15 लाख। बेटा 15 लाख का टैक्स लग गया, नॉर्मल सी बात करते हैं, 50 लाख में से 15 लाख तो टैक्स ही चला गया, फर्म के पास कितना बचा 35 लाख। फर्म ने कोई सैलरी वैलरी नहीं दी है यहाँ पर, राइट। 35 लाख में से चार पार्टनर हैं ए बी सी डी, चारों का रेशियो इक्वल है, सपोज करिए चारों इक्वल पार्टनर हैं। बेटा चारों इक्वल पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर को क्या क्या मिल जाएगा, 8.5 लाख, 8.5 लाख, 8.5 लाख, 8.5 लाख, ये तो शायद आई थिंक 34 लाख बन रहा है, बल्कि ज़्यादा बनेगा, ये बनेगा 8 लाख 66 हज़ार, यही बनेगा ना, मैंने गलत कर दिया, 8 लाख 75 हज़ार आई थिंक, ओके गलत हो गया है। बेटा हर पार्टनर का शेयर बन गया, फर्म से जो प्रॉफिट मिले हैं पार्टनर्स को, फर्म से जो प्रॉफिट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 8 लाख 75 हज़ार, राइट। बड़ा क्लियर हुआ, फर्म का शायद यही प्रॉफिट बन रहे हैं, प्रॉफिट बांट दिए चारों पार्टनर में। बड़ा इन प्रॉफिटों को एग्जेम्प्ट कर देंगे सेक्शन 10(2)(a) में। पहले आपको समझ आ रहा है प्रॉफिट एग्जेम्प्ट क्यों हो गए, इन प्रॉफिटों पर टैक्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है और पार्टनर को सैलरी 0-0 मिली, इनकम ही 0 हो गई, ये प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है और नॉर्मली फर्म से सैलरी कुछ मिल नहीं रही है। बेटा क्लियर हुआ पहले ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर मतलब तकरीबन फर्म और पार्टनर एक ही होते हैं, फर्म ने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कितना टैक्स दे दिया सर, 15 लाख रुपए का टैक्स दे दिया फर्म और पार्टनर ने मिलकर। इस एग्जाम्पल पे आइए, देखो प्लानिंग कितनी अच्छी हो गई, इस एग्जाम्पल पे आइए, 80 लाख के प्रॉफिट थे, 30 लाख के एक्सपेंस हुए, आपस में ही पार्टनर्स ने बेटा प्रॉफिट बांट दिया, सैलरी दे दी आपस में एक दूसरे को 10-10 लाख, फर्म का प्रॉफिट 10 लाख। पहले फर्म का टैक्स बताइए कितना बन गया, फर्म का टैक्स बन गया 10 लाख का 30% कितना हो गया 3 लाख, और फर्म का प्रॉफिट हो गया 10 लाख माइनस फर्म ने टैक्स बन गया 3 लाख। बेटा यहाँ पर प्रॉफिट बचा कितना, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बचा 10 लाख माइनस 3 लाख 7 लाख चारों पार्टनर्स के लिए, राइट। और पार्टनर्स को सैलरी भी मिली है, इस केस में पार्टनर्स की इनकम देखते हैं क्या क्या हो जाती है, इस केस में पार्टनर्स को ए बी सी डी चारों पार्टनर्स को 10-10 लाख की सैलरी मिली है, ये एक इनकम हो गई।
और चारों पार्टनर्स को ये हो गई सैलरी जो फर्म से मिली है, और प्रॉफिटों में भी हिस्सा मिला है कितना, 7 लाख को डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा तकरीबन 1,75,000। बेटा नॉर्मल सी बात है, आपको पता है फर्म से जो प्रॉफिट मिल रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, फर्म से जो प्रॉफिट मिल रहे हैं पार्टनर को, इस बात को क्लियर कर लीजिए, वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होते हैं, वो माफ़ होते हैं पार्टनर के हैंड पे। क्यों होते हैं? क्योंकि उस पर ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुकी है। देखिए 10 लाख पर टैक्स दे चुकी है फर्म, 3 लाख टैक्स चला गया, 7 लाख पार्टनर्स को बढ़ गए, तो इन पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो बेटा ये तो एग्जेम्प्ट ही है, ये वाला हिस्सा तो एग्जेम्प्ट है, ये वाला हिस्सा तो एग्जेम्प्ट हो गया। जो ये 10-10 लाख की सैलरी है, सपोज पार्टनर के जो स्लैब रेट्स हैं वो 2.5 लाख वाला ही है, तो 0 से 2.5 लाख कितना टैक्स बना, निल, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना टैक्स बना, 2.5 लाख से 5 लाख तक, बताइए 2.5 लाख पर 5% कितना बन गया, 12,500। 5 लाख से 10,000, 10 लाख में कितना बन गया, 20%, 1 लाख रुपये, 1,12,500। ध्यान से समझिएगा बेटा, 1,12,500 हर पार्टनर का टैक्स बन गया। अभी मैंने एजुकेशन सेस वगैरह नहीं लगाया, ये मान के चलो नॉर्मल टैक्स, 1,12,500 चारों पार्टनर का टैक्स बना टोटल, तो चारों का बन गया बेटा 5 लाख रुपये टैक्स। फर्म ने कितना टैक्स दिया इस केस में, यहाँ पर पार्टनर्स ने टैक्स दिया 5 लाख, फर्म ने टैक्स दिया 3 लाख, टोटल टैक्स कितना गया यहाँ पर फर्म और पार्टनर के द्वारा, 8 लाख। और बेटा सेम एग्जांपल में यहाँ पर देखिए कितना टैक्स चला गया, यहाँ पर टैक्स चला गया 15 लाख, यहाँ पर टैक्स गया था कितना, देखिए टैक्स बचा गई है क्या करके, क्या कर कर टैक्स बचा गए, आपको समझ आ रहा है, सैलरी देकर। मीन्स ध्यान से सुनिएगा, दो चीज़ें इन्होंने चेंज की, एग्जांपल क्लियर हुआ आपको, एग्जांपल है कोई भी पार्टनर को फॉर्म पार्टनर को, फॉर्म और पार्टनर एक ही होते हैं, तो फॉर्म पार्टनर को अगर सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, कमीशन दे रही है पार्टनर को, तो बेटा पार्टनर के हैंड में पहली बात तो ये टैक्सेबल है और अंडर हेड पीजीबीपी है। वैसे नॉर्मल अगर कोई फर्म अदर व्यक्ति को दे रही होती है सब कुछ, पार्टनर को नहीं अदर किसी पर्सन को, तो बेटा सैलरी कहाँ टैक्सेबल होती, सैलरी में, बोनस कहाँ टैक्सेबल होता, अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होता, अदर सोर्सेज में, कमीशन कहाँ टैक्सेबल होता, अदर सोर्सेज में। सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 28 को अपडेट किया और सेक्शन 28 में बोला अगर फॉर्म पार्टनर को चाहे सैलरी दे रही है, चाहे बोनस दे रही है, चाहे इंटरेस्ट दे रही है और चाहे कमीशन दे रही है, ये पार्टनर को मिल रहे हैं ना, तो पार्टनर के लिए सब कुछ टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अभी ऊपर हमने एग्जांपल में पढ़ा भी है चीज़, जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ा है आपने उसमें नोटिस किया है, क्या पढ़ा है उसमें हमने, देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम बात करें क्या पढ़ा है हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर पढ़ा है दो एग्जांपल लिए हमने अलग अलग। एक एग्जांपल में आपने देखा होगा पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिली, एग्जाम्पल नंबर 2 में पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिली, सिर्फ फर्म ने टैक्स दिया और पार्टनर को प्रॉफिट्स बांट दिए, प्रॉफिट को जो मिले हैं फर्म को, समझ आ रहा है, पार्टनर को जो मिले हैं ये ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इन पर फर्म टैक्स दे चुकी है और सैलरी यहाँ पर मिली नहीं थी, 0 मिली है यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में सैलरी 0 मिली है। बेटा इस एग्जाम्पल में दूसरे वाले एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे हैं,
दूसरे वाला फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देख पाए तो यहाँ पर चारों पार्टनर्स ने आपस में एक दूसरे को सैलरी दे दी है 10-10 लाख। इस वजह से फर्म के प्रॉफिट कम हो गए हैं। आपने समझा, फर्म के प्रॉफिट कम हो गए हैं, 10 लाख हो गए हैं। तो फर्म ने टैक्स कितने पर दिया? 10 लाख का 30%, 3 लाख, और वह बचा कुचा 7 लाख पार्टनर्स में बांट दिया, डिवाइडेड बाई 4 करके। देखो ये बांट रखा, जब चारों पार्टनर में बांट दिए तो एग्जम्प्ट हो गया, क्योंकि जो भी प्रॉफिट मिलेंगे फर्म से उन पर टैक्स नहीं लगेगा पार्टनर पे। दूसरी शिक्षा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले नीचे। पहली शिक्षा क्या लिखी हमने इस कहानी से, फर्स्ट बात क्या लिखी, पहला पॉइंट कि फर्म से पार्टनर को अगर ये सब कुछ मिलेगा तो ये पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP एज पर सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग। पहली शिक्षा क्लियर हुई। दूसरी शिक्षा क्या है बेटा? दूसरी शिक्षा है, अगर फर्म से पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, फर्म से पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो ये सेक्शन 10(2)(a) में पार्टनर्स के हैंड पर एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। इसका रीजन क्या है? सेक्शन 10(2)(a) में एग्जेम्प्ट है, सेक्शन में यहाँ भी लिख देता हूँ अलग से। रीजन क्या है इसका? सर रीजन है कि फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है, ऑलरेडी टैक्स दे गई फर्म इस अमाउंट। ऊपर आइए, फिर एग्जाम्पल पर चलते हैं जिस एग्जाम्पल से शुरू किया। बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्म ने पार्टनर को सैलरी भी दी है और प्रॉफिट भी दिए हैं। प्रॉफिट कितने के दिए हैं बेटा? 7 लाख रुपए के दिख रहे हैं आपको। ये प्रॉफिट कितने के दिए? 7 लाख के, राइट। और फर्म ने सैलरी कितनी दी है? 10 लाख। जो ये सैलरी दी है ये पूरी की पूरी पार्टनर के हैंड पर देखो टैक्सेबल, और मैंने टैक्स लगा दिया था 10 लाख की सैलरी। कितना टैक्स बना पार्टनर का? 1,12,500। चारों पार्टनरों का टैक्स कितना बना? 5 लाख। इस कहानी से आपने एक चीज देखी। अब तीसरी शिक्षा, सैलरी बांटकर फर्म ने पार्टनर को सैलरी बांटकर क्या कर दिया बेटा? टैक्स प्लानिंग नहीं कर ली। सर क्या टैक्स प्लानिंग कर दी बेटा? टैक्स प्लानिंग कर दी। अगर फर्म सैलरी नहीं दे रही पार्टनर्स को तो टोटल टैक्स बन रहा है 15 लाख का, और अगर सैलरी दे रही है फर्म तो टैक्स कितना बन रहा है? मात्र 8 लाख का। फर्म और पार्टनर एक ही तो होते हैं, इन्होंने 8 लाख का टैक्स दिया मिलकर। कब? जब एक दूसरे को सैलरी दे दी। इसका मतलब क्या है? देखो फर्म के जो रेट्स हैं, फर्म पर जो टैक्स के रेट हैं वो हायर है, फ्लैट रेट है 30%, और पार्टनर पे जो रेट है टैक्स के, इन्होंने शिफ्ट कर दिया देखो इनकम को, वो स्लैब रेट है। पार्टनर पे 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लग रहा, इंडिविजुअल है पार्टनर, और 2.5 लाख से ऊपर भी बहुत रेट कम है, पहले बहुत लेस रेट है। इन्होंने क्या करा, फर्म की इनकम को खर्चा शो करके शिफ्ट कर दिया पार्टनर को, और कह दिया इस पर टैक्स पार्टनर देगा, फर्म नहीं देगी। बेटा ऐसे करके जैसे शिफ्ट किया अपना टैक्स बचा लिया। अब ये सब इनकम टैक्स भी तो देख रहा था, इनकम टैक्स ये सब कुछ देख रहा था, तो इनकम टैक्स ने एक नए सेक्शन का निर्माण किया। इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 40B। एक नया सेक्शन बना दिया इनकम टैक्स ने। क्या सेक्शन बना दिया? सेक्शन 40B। बेटा क्या कह रहा है ये सेक्शन? इस सेक्शन ने 3-4 बातें करी। इस सेक्शन ने सबसे पहली बात करी जी बेटा, ये 40 की जो सीरीज है ये है कि कुछ एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है, एक्सपेंस नॉट अलाउड, एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है फॉर्म। इस सेक्शन ने सबसे पहली लाइन में बोला, अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो और कमीशन दे रहे हो, किसको? पार्टनर को। इस सेक्शन की ओपनिंग वर्ड्स है ये। तो ये सब कुछ दे रहे हो तो फर्म को ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। बेटा अलाउड नहीं है तो बताइए, पहले इसी का मीनिंग निकालते हैं। अगर फर्म ने बेटा प्रॉफिट कमाए 50 लाख के और अपने ही पार्टनर को
फर्म कह रही है मेरे खर्चे हो गए, अपने ही पार्टनर को 40 लाख की सैलरी वो दे दी, तो फर्म के प्रॉफिट अभी 10 लाख हो गए थे, पर इस सेक्शन के आने की वजह से, 40B के आने की वजह से, किसके आने की वजह से, 40B के आने की वजह से बेटा ये 40 लाख अलाउड ही नहीं, तो फर्म के प्रॉफिट इन्होंने दोबारा से कितने कर दिए, 50 लाख पहले क्यों करें, रीज़न भी समझ आ गया, लेकिन असेसी पहुंचा गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कहने लगा सर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली भी पार्टनर को सैलरी दी जा सकती है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं बेटा, मैं अपने एनएमसी एजुकेशन पर, नीरज मित्तल क्लासेस पर, मैं फाउंडर भी हूँ, इसका ऑनर भी हूँ, और मैं यहाँ पर एम्प्लॉय भी, मैं यहाँ पर क्लास भी ले रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं यहाँ पर चलाता इस इंस्टीट्यूट को चलाता, और चलाकर जो प्रॉफिट आते प्रॉफिट लेकर घर चला जाता, लेकिन मैं यहाँ पर खुद भी क्लास ले रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई और क्लास लेता तो उसे मुझे सैलरी देनी होती, मैं खुद को अगर सैलरी दे रहा हूँ एज पर पार्टनरशिप है, खुद को पार्टनर्स को सैलरी देना अलाउड है, समझ रहे, पार्टनरशिप एक्ट परमिशन देता है कि अगर कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, जो नॉर्मल वर्क होता है उससे एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो पार्टनर को सैलरी अलाउड है। बेटा पार्टनर को अगर सैलरी अलाउड है तो ये बात लेकर पहुँचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कि सर आपने तो ये सेक्शन बहुत गलत बना दिया। सेक्शन 40B की पहली लाइन है, आप पार्टनर को ना इंटरेस्ट दे सकते हैं, ना सैलरी दे सकते हैं, ना बोनस दे सकते हैं, ना कमीशन, अगर दे भी दिया आपने तो हम उसे आपको लेस नहीं करने देंगे, मतलब हम तो पूरे फिर 50 लाख पे टैक्स लेंगे। बेटा क्लियर हुआ पहला बार, लेकिन इसका भी काउंटर क्वेश्चन हुआ, सर एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर को ये सब कुछ अलाउड होना चाहिए, अगर वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसे सैलरी मिलनी चाहिए, उसे बोनस मिलना चाहिए, वरना पार्टनर मोटिवेट कैसे होगा, पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करेगा ही नहीं और फर्म के एक्सपेंस वैसे ही बढ़ जाएंगे। इन्होंने दूसरा वर्ड बोला कि चलो अलाउड है, पहले सब शब्द में क्या बोला, अलाउड नहीं है, दूसरे में क्या बोला, अलाउड है पर एज पर लिमिट्स, कुछ लिमिट्स के अकॉर्डिंगली अलाउड है। हमने कहा लिमिट क्या, सबसे पहली लाइन बोली इन्होंने, जितना आप पार्टनरशिप डीड में परमिशन दे दोगे, जितना आप पार्टनरशिप डीड में क्या दे दोगे, परमिशन। अब बेटा एक और प्रॉब्लम, पार्टनरशिप डीड में तो पार्टनरशिप डीड तो पार्टनर ही बनाते हैं, पार्टनर लिख देंगे हर पार्टनर को 10-10 लाख की सैलरी दे रहे हैं, इन्होंने दूसरी लाइन में भी क्या लिखा कि अलाउड है, पर उतना अलाउड है जितना पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि इतना अलाउड है, पार्टनरशिप डीड में जितने की परमिशन मिल गई है, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब मैंने बताया आपको पार्टनरशिप डीड में तो परमिशन आपके अकॉर्डिंग, फिर इन्होंने तीसरी लाइन लिखी, पर अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट टू पार्टनर, तो वो 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप पार्टनर को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता, 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता, कितने से ज़्यादा, 12% से ज़्यादा पर एनम, 12% भी बेटा पर एनम है, याद रखिएगा 12% पर एनम से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो भी लोन वोन पार्टनर ने दे रखा है। डीड में अगर आपने अब 16% लिख दिया तो 16 अलाउड नहीं है 12 ही, पर डीड में अगर आपने 10% लिखा तो 10 अलाउड है, क्योंकि 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इनकम टैक्स ने बोल दिया। चौथी बात, जो रेमुनरेशन है, सैलरी है, जो रेमुनरेशन सैलरी है बेटा, ये एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती, और लिमिट को अभी हम पढ़ रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। सर लिमिट क्या है, कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते आप सैलरी वगैरह। सर अगर फर्म को लॉस भी हो गया है, या फर्म को, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपको लॉस भी हो जाता है थोड़ी ना आप एम्प्लॉय की सैलरी रोकते हो, अगर फर्म को लॉस भी है या मैक्सिमम प्रॉफिट 3 लाख तक है, फर्म प्रॉफिट कितने तक के, 3 लाख तक,
या फर्म को लॉस हुई है, तो आप कम से कम 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी बांट सकते हो और 90% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? चाहे फर्म को लॉस है या फर्म ने 3 लाख तक के प्रॉफिट कमाए हैं, तो ऐसे केस में फर्म सैलरी के रूप में अपने पार्टनर्स को मैक्सिमम 1.5 लाख और 90% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर तक अलाउड है, दे सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और बैलेंस प्रॉफिट है जो भी, अगर सर प्रॉफिट ही 6-7 लाख के, तो बैलेंस 4 लाख प्रॉफिट बच गए। जो अलग प्रॉफिट है उन पे 60% ऑफ प्रॉफिट आप दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट हुए तो कितनी सैलरी बांट सकती है एक फर्म अपने पार्टनर? सर पहले 3 लाख का 90%, 2,70,000, 3 लाख का 90%, 2,70,000, और बचे कुछ 5 लाख पर 60%, 3 लाख। मतलब टोटल फर्म कितनी सैलरी दे सकती है अपने पार्टनर्स को, सारे पार्टनर्स को मिलाकर कितनी सैलरी दे सकती है? 5,70,000। बेटा क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? अभी हम दोबारा से रिपीट करेंगे, इसे दोबारा से समझेंगे, पर यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ तो मैं एक बार यहाँ तक का आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह आपसे कह क्या रहा है, यह आपसे कह क्या रहा है, समझाने की क्या कोशिश कर रहा है, यह आपको बताने की कोशिश कर रहा है बेटा, कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, पार्टनरशिप फॉर्म ने किसी भी पार्टनर को ये सब कुछ दिया है, क्योंकि हम तो सेक्शन 28 पढ़ रहे थे पर हम बहुत आगे निकल गए, मैंने सोचा लगे हाथ आपको 40B भी पढ़ा दें। अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहे हैं, तो बेटा इस पर पार्टनर के हैंड पे टैक्स लगेगा। किसके हैंड पे टैक्स लगेगा? पार्टनर के हैंड पे टैक्स लगेगा। कहाँ पर? PGBP में। सर आपसे कोई लॉजिक पूछे, सर सैलरी पे टैक्स तो सैलरी में लगना चाहिए, यहाँ पर ये माना जाएगा जस्ट अपनी इनकम उठाकर शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पर टैक्स लग रहा था पार्टनरशिप फॉर्म पर, जिस हेड में टैक्स लग रहा था पार्टनरशिप फॉर्म पे, उसी हेड में पार्टनर पे लगेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर दोनों एक ही है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। पहले सेक्शन 28 हमने पढ़ा कि सर ठीक है टैक्स लगा देंगे जो भी मिला। दूसरा पॉइंट, जो ये इंटरेस्ट, जो भी प्रॉफिट देगी फॉर्म, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाया था, फॉर्म बेटा प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाने के बाद फॉर्म उस पर टैक्स भर देती है अपने रेट से। टैक्स देने का जो फॉर्म पे प्रॉफिट बचे वो फॉर्म प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देती है, PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फॉर्म जो प्रॉफिट दे रही है पार्टनर को, फॉर्म ने प्रॉफिट बांट दिए पार्टनर को, फॉर्म ने जो प्रॉफिट दे दिए पार्टनर को, ध्यान से सुनिए, तो उन पर क्या होगा? सर वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(2)(a) में। सेक्शन 10(2)(a) में वो प्रॉफिट क्या हो गए? एग्जेम्प्ट हो गए। क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आया, सर वो एग्जेम्प्ट क्यों हो गए पार्टनर के हैंड में? क्योंकि उन पर ऑलरेडी टैक्स फॉर्म दे चुकी है। तीसरी बात, अब इससे तो लोग प्लानिंग कर लेंगे। देखो क्या प्लानिंग करेंगे, फर्म के प्रॉफिटों को हम कम दिखाने, फर्म का रेट क्या होता है? हाई होता है, और इंडिविजुअल का रेट थोड़ा कम होता है टैक्स का, तो फर्म से जो प्रॉफिट कमाए उनको हम कम कर सकते हैं फर्म्स में एक्सपेंसेस दिखा के, और उसे किसे दे देंगे? इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल की इनकम बढ़ा देंगे, फर्म की कम कर देंगे। इससे रेट बेनिफिट होने से टैक्स कम हो जाएगा, जो हमारे एग्जाम्पल में हुआ। अगर हम फर्म से सैलरी नहीं दे रहे थे तो फर्म को टैक्स देना पड़ा और पार्टनर को टैक्स देना पड़ा मिलकर 15 लाख का, और अगर हमने सैलरी दी तो बेटा दोनों को मिलकर देना पड़ा टैक्स 8 लाख का, 7 लाख का टैक्स बचा लिया। ये तो अब शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो एक सेक्शन 40B को निर्माण किया गया। पूरा समझ आ रहा है? सेक्शन 40B बनाया गया। सेक्शन 40B ने क्या क्या दिया, उसकी ओपनिंग वर्ड क्या है? भैया इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन देना अलाउड ही नहीं है। अभी क्लैश नहीं हो गई दो बातें? एक सेक्शन कह रहा है फर्म तुम्हें इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन देना अलाउड ही नहीं है, और एक सेक्शन 28 कह रहा है जो भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन आप लोगे वो PGBP में टैक्सेबल है, फर्म से जो भी मिलेगा वगैरह अलाउड ही नहीं है। वहां पर उसने बोला अलाउड नहीं है,
अलाउड नहीं होने से हड़कंप मच गया बेटा, चिल्लाने लगे असेसी, सर अलाउड क्यों नहीं है? अब अलाउड करवाएंगे, क्यों अलाउड करवाएंगे उसका मैंने लॉजिक दिया। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है फर्म में, तो उसे सैलरी लेना अलाउड है। कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसे इंटरेस्ट लेना अलाउड है। अरे लोन कहीं बाहर से लेते हैं तो हो सकता है इजीली बाहर से मिले ना मिले, अपना पार्टनर ही फर्म को लोन दे रहा है तो आप उसको भी तो ब्याज दोगे, अलाउड होना चाहिए। और अलाउड करें तो बड़ी मुसीबत आ रही है, टैक्स का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 40B का ओपनिंग वर्ड बढ़ाया पहले तो कि अलाउड नहीं है, फिर अपनी बात को चेंज करके पॉइंट नंबर 2 बनाया कि अलाउड है पर लिमिट्स में। और लिमिट क्या है? जितना भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा उतना अलाउड है। पार्टनरशिप डीड में लिख दो एग्रीमेंट में पहले कितना अलाउड है। अब डीड तो अपने घर की बात है, पार्टनर डीड में कुछ भी लिख देंगे, पार्टनर डीड में कुछ भी मेंशन कर देंगे। तो फिर तीसरा पॉइंट बनाया पर इंटरेस्ट 12% ऑफ लोन अमाउंट या कैपिटल अमाउंट से ज़्यादा अलाउड नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा अलाउड नहीं है लोन से, कितने लोन से, कैपिटल पे तो खैर इंटरेस्ट लेगा ही क्या पार्टनर, पर लोन पे 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट, सैलरी कितनी अलाउड है? सर सैलरी अलाउड है अगर लॉस हो रहा है फॉर्म। देखिए अगर मुझे मेरी फॉर्म में लॉस हो जाए तो भैया सैलरी तो मुझे देनी पड़ेगी ना, जो लोगों से मैंने काम करवाया। इसी प्रकार पार्टनर से भी अगर काम करवाया तो 1.5 लाख तक की सैलरी देनी पड़ेगी सारे पार्टनर्स को मिलाकर। और 3 लाख तक के ही प्रॉफिट हुए तो उसका 90% कर लो, 1.5 लाख और 3 लाख तक के जो प्रॉफिट है उसका 90% विच एवर इज हायर पे टैक्स दे दो, ओ हायर की सैलरी दे दो। और भी ज़्यादा इनकम कमाई है फॉर्म ने अगर, तो बेटा बैलेंस अमाउंट पर 60% तक का दे दो। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में यहाँ तक का रिविजन समझ आया आपको बिल्कुल अच्छे से? बैलेंस पर 60% का प्रॉफिट तक की सैलरी दे सकते हो। अब क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट नॉर्मल निकाल लो, पूरा PGBP का चैप्टर लगा लो, जो जो अलाउड है वो सब लेस कर लो आप, जो जो अलाउड नहीं है वो लेस मत करो। पर एक चीज लेस कर भी ली अगर तो वो लेस मत करो, ऐड कर दो दोबारा। क्या? सैलरी। सैलरी की तो लक्षण नहीं निकाल रहे, सर एग्जाम्पल के साथ बताएंगे? यस बिल्कुल बताऊंगा मैं, सेक्शन 40B इम्पॉर्टेंट भी बहुत है एग्जाम के लिए। देखिए क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्म के प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स है 80 लाख रुपए के, फर्म ने एक्सपेंस कर दिए बेटा सारे मिलाकर 70 लाख रुपए के, फर्म ने बेटा सैलरी दे दी पार्टनर्स को 7 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, 4 पार्टनर 8, फर्म के प्रॉफिट कितने रह गए? 2 लाख। देखो फर्म ने क्या चालाकी की है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बांटकर अपनी इनकम को कम कर लिया, इस बात को आप पकड़ पा रहे हो। पहले ये क्वेश्चन समझ आ गए यहाँ पर। अब बेटा वास्तविकता में देखो कैसे ऑडिट होगा इसका, प्रॉफिट कितने हैं यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स कह रहा है प्रॉफिट्स कितने हैं 80 लाख, एक्सपेंस कितने हैं आपने लिखे हैं 70 लाख, पर हो सकता है कुछ खर्चे तो इनकम टैक्स नहीं मना कर दिए, अलाउड ही नहीं है। अभी हम पूरा PGBP का चैप्टर पढ़ेंगे, आप तो कह दोगे हमने समोसे खाए थे, समोसे के खर्चे अलाउड करो, बिजनेस में हमने खाना खाया था, तो इनकम टैक्स अलाउड करेगा क्या? अलाउड है क्या नहीं? इन 70 में से भी इनकम टैक्स ने अलाउड करा बेटा 65 लाख। कुछ समझ आ रहा है कि चलो 65 लाख के खर्चे अलाउड है। सर ये कौन कौन से अलाउड होते हैं यही तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली 4-5 क्लासेस में। माइनस सैलरी कितनी दी है आपने 8 लाख, अभी बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहा, 40B की लैंग्वेज है ना बिल्कुल, तो अभी प्रॉफिट कितने आ गए बेटा 15 लाख। मैंने कहा ना 40B की लक्षण लेने के लिए सैलरी अभी लेस नहीं करनी, अगर लेस हो भी गई तो ऐड कर दो। देखो इस फॉर्मूले से चलते हैं, यहाँ से नेट प्रॉफिट एज पर P&L कितना है वहीं आ जाएंगे अब 2 लाख। सैलरी पूरी की पूरी अभी डिसअलाउड है, सैलरी की रिडक्शन ही तो निकाल रहे, 8 लाख ऐड हो जाएगा प्लस, पूरी की पूरी मना कर दी ना सैलरी तो घटानी नहीं है। और खर्चों में से भी 5 लाख के खर्चे आपने गलत घटा रखे, अलाउड तो 65 ही है,
आपने 70 घटा रखे तो प्लस एक्सपेंसेस नॉट अलाउड कितने के 5 लाख के, टोटल कितना हो गया देखो 15 लाख, सेम मैच हो रहा हो, मैच हो गया। ये समझ आया आप लोगों को कैसे मैच हो रहा है? भैया इस फॉर्मूले से चल दो या इससे चल दो, बात एक ही है भाई। प्रॉफिट आपने 80 लाख कमाए, 80 लाख में से खर्चा अलाउड आपका 65 है, चाहे आपने अपनी अकाउंटिंग की दुनिया में कितना खर्चा अलाउड कर लिया 70 लाख, पर इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हम तो इतना ही खर्चा अलाउड करेंगे, और सैलरी अभी अलाउड ही नहीं कर रहे। सैलरी के लिए तो प्रॉफिट पूछ रहे हैं आपसे कितने हैं, क्योंकि प्रॉफिट के बेस पर सैलरी डिसाइड होती है, याद करो। सर कैसे, अभी तो बताया लॉस होगा या 3 लाख तक के प्रॉफिट होंगे तो 90% तक सैलरी दे सकते हो। हाँ सर अभी निकालते हैं, ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने सैलरी एक्सपेंस दे दिए 65 लाख के, या आपने सैलरी दे दी, सॉरी यहाँ पर एक्सपेंस दिया आपने 70 लाख के, देखो पहले तो यही डिसअलाउड हो गया अकाउंट की दुनिया, आप अपनी दुनिया में 70 लाख के खर्चे अलाउड कर रहे हैं पर इनकम टैक्स 65 लाख कर रहा है, तो 5 लाख मना कर दिया इनकम टैक्स ने। जिन खर्चों को इनकम टैक्स मना कर देता है, मैं अलाउड नहीं कर रहा, उनको बोलते हैं इनकम टैक्स ने ये खर्चा डिसअलाउड कर दिया। क्या बोलते हैं बेटा, डिसअलाउड कर दिया। यहाँ पर इनकम टैक्स ने, यहाँ पर आपने 8 लाख की सैलरी दी, आपने तो अपनी मनमर्जी दे दी 8 लाख की सैलरी, पर इनकम टैक्स कह रहे हैं मैं अपने अकॉर्डिंगली दूंगा। अभी इनकम टैक्स ने पहले मना कर दिया, बिल्कुल भी अलाउड नहीं 8 लाख, ये मैं बताऊंगा कितनी अलाउड है। तो पहले तो आप प्रॉफिट पर पहुंच गए बेटा 15 लाख के। अब आप टेबल बनाओगे, क्या टेबल बनाओगे याद करो, मैं बताया था क्या, यहाँ बना लेते हैं बेटा। पहले 3 लाख तक के प्रॉफिट पर 270 की सैलरी दे सकते हो, और बाकी बचे कुछ 12 लाख के प्रॉफिट, टोटल तो 15 लाख के प्रॉफिट हैं आपके, ये रहे 15 लाख। समझ आ रहा है बेटा, 12 लाख पे 60% प्रॉफिट दे सकते हैं आप सैलरी, मतलब 7,20,000। टोटल सैलरी देना कितनी अलाउड है आप, 9,90,000, बहुत अच्छा हो गया। आपने तो दी कितनी है सैलरी, 8 लाख कम ही दी है बेटा। आपके प्रॉफिट कितने हैं, 15 लाख बिफोर सैलरी में से आप क्या लेस कर दूं बेटा, जो अभी निकाला आपने सैलरी की डिडक्शन, सैलरी तो अलाउड हो गई अब आपकी 8 लाख, लिमिट के अंदर है अलाउड है। कितनी अलाउड है सैलरी, 9,90,000, आपने तो दी कितनी 8 लाख, तो आपके प्रॉफिट कितने हो गए 7 लाख, और 7 लाख पर फर्म को टैक्स देना पड़ेगा बेटा। पूरी बात समझ आई? अब देखो फर्म और पार्टनर का टैक्स भी बना देते हैं। फर्म को टैक्स देना पड़ेगा कितने पर, 7 लाख पर, 7 लाख का 30%, मतलब कितना हो गया 2,10,000। 7 लाख में से 2,10,000 गए तो बेटा 4,90,000 बचा, जो पार्टनर्स में बांट देंगे। सर पार्टनर कितने थे, मान लो दो ही पार्टनर थे, तो एक पार्टनर के हिस्से में 2,45,000 आ गया, और दूसरे पार्टनर के हिस्से में भी 2 लाख। बेटा आप सब बताओ अब क्या होगा इसका, बोलो आप रिकॉर्डिंग में भी वीडियो में भी बोलो, घर पे पढ़ रहे हैं आप, ये एग्जेम्प्ट हो गया बेटा, प्रॉफिट है ना ये, इस पर तो ऑलरेडी टैक्स दे ही दिया फर्म, ये एग्जेम्प्ट हो गया सेक्शन 10 में। अच्छा और दोनों पार्टनर को क्या मिला है, सैलरी मिली है बेटा, सैलरी मान लो बराबर बराबर ही मिली, 8 लाख की सैलरी दी है ना दोनों पार्टनर को ऊपर, तो बेटा सैलरी कितनी कितनी हो गई, 4 लाख 4 लाख। ढाई लाख का स्लैब था सपोज करिए, तो 0 से 2.5 लाख निल यहां निकाल देते हैं बेटा, 0 से 2.5 लाख तक निल, और 2.5 से 4 मतलब 1.5 लाख पर 5%, 7,500 रुपये पार्टनर पे बन गया टैक्स दोनों पार्टनर 7,500 बेटा। आई होप समझ आ गया होगा। हाँ वो बात अलग है, आप कभी कहें सर एजुकेशन सेस भी तो लगेगा, सर 87A की रिबेट भी, तो वो सब है ही, फिलहाल हमने टैक्स निकाल दिया, वो माफ है टैक्स, रिबेट मिलेगी वो सब मिलेगा जो मिलेगा, पर फिलहाल एक बार हमने टैक्स निकाल दिया। क्लियर हो गया बेटा, अच्छे से समझ आ गया होगा बुक प्रॉफिट कौन से लेंगे, राइट। मैं स्पीड से एक बार फिर बता देता हूँ, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन अगर फर्म पार्टनर को दे रही है तो वो फर्म पार्टनर के हाथ में अंडर सेक्शन 28 PGBP में चार्ज होंगे, और पार्टनरशिप फॉर्म को वो अलाउड होंगे एज पर सेक्शन 40B, एज पर सेक्शन 40B अलाउड होंगे। इंटरेस्ट 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और सैलरी स्टेबल के अकॉर्डिंगली होगी।
और टेबल में आपने बार बार देखा प्रॉफिट का परसेंटेज है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर सैलरी निकालेंगे, बाकी सारी डिडक्शन दे देंगे जो अलाउड है, बाकी सब खर्चे ऐड लेस कर देंगे जो अलाउड है, पर क्या लेस नहीं करेंगे, सैलरी लेस नहीं करेंगे, सैलरी को ऐड ही रहने देंगे, फिर निकालने के बाद सैलरी लेस करेंगे, पहले देखेंगे सैलरी कितनी अलाउड है। बड़ा क्लियर हो गया, अब शॉर्ट में हमने पढ़ लिया। तो इस सेक्शन को एक बार हम पढ़ लेते हैं, पहले तो यहाँ से पढ़ते हैं। बड़ा यहाँ पर कह रहे हैं इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन सब रिसीव हुए हैं जो पार्टनर को फर्म से, वो टैक्सेबल हो जाएंगे पीजीबीपी में, पर वहाँ तक ही टैक्सेबल होंगे जहाँ तक 40B में अलाउड थे। अच्छा, ये तो हम भूल ही गए। बेटा ध्यान से सुनिए, आपने सपोज सैलरी दी है 10 लाख, ध्यान से सुनिए, फर्म ने सैलरी दी है 10 लाख। अच्छा, लिख के ही करते हैं, यहाँ पर फर्म ने पैसे कमाए 50 लाख, फर्म ने सैलरी दी 10 लाख, फर्म पर टैक्स कितना बना 40 लाख का 30%, कितना बना 12 लाख। पर बेटा फर्म को मना कर दिया, सेक्शन 40B ने बोल दिया आपको ना सैलरी अलाउड ही नहीं है, आपको सैलरी अलाउड ही नहीं है 10 लाख, 8 लाख अलाउड है बस। तो बेटा फर्म के प्रॉफिट द्वारा रिवाइज हो गए, कितने हो गए 42 लाख। फर्म पर टैक्स कितना बन गया 30%, कितना बेटा 12,60,000। कुछ समझ आ रहा है, मना कर दिया ना 10 लाख की सैलरी अलाउड ही नहीं है सेक्शन 40B ने, 40B ने कहा सिर्फ 8 लाख अलाउड है। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिली, बेटा जो 8 लाख अलाउड हुआ है, वैसे सैलरी दी कितनी थी 10 लाख, पर डिडक्ट कितनी हो पाई 8 लाख, तो देखो फर्म पे टैक्स नहीं बढ़ गया 2 लाख, सैलरी दी जरूर है आपने 10 लाख, पर मना तो कर दिया अलाउड नहीं है, तो उस 2 लाख की सैलरी पर टैक्स देखो फर्म ही दे रही है, और बाकी 8 लाख की जो सैलरी है उस पर टैक्स पार्टनर दे रहे हैं। मींस इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, सर इस बात से शिक्षा मिली कि जितनी भी सैलरी फर्म पार्टनर को जो भी सैलरी दे रहे हैं तो वो 40B में अलाउड होनी चाहिए, अलाउड हो गई तो टैक्स कौन दे देगा बेटा, पार्टनर। फर्म के यहां तो लेस हो गई ना, अलाउड हो गई, और अलाउड नहीं हुई तो लेस नहीं हुई तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया ना, देखो जैसे अभी 40 लाख से 42 हो गया, तो बेटा टैक्स कौन देगा फर्म को, मतलब फर्म ने जो सैलरी दी है पार्टनर को अगर वो अलाउड है 40B में तो टैक्स कौन देगा, पार्टनर, कहां पर पीजीबीपी में सेक्शन 28 में, और अगर अलाउड नहीं है तो टैक्स कौन देगा फर्म, कहां पर बेटा फर्म टैक्स देगी अपने 28 में, एनी प्रॉफिट, फर्म को ही प्रॉफिट हो गए, नहीं क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ yes। एक बार हम सेक्शन 40B को भी पढ़ के आते हैं, पेज नंबर आप आ जाइए पेज नंबर 149 पर, पेज नंबर 149 ये रहा, पढ़िए बेटा क्या कह रहा है, 148 पे, सॉरी 148 पे आइए, 148 क्या कह रहा है ये सेक्शन देखें जरा पढ़िए, अब आपको एक एक वर्ड समझ आएगा और टिक भी मार लीजिएगा, बाद में कभी सोचे सेक्शन हुआ ही नहीं। डिडक्शन फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, कोई भी इंटरेस्ट रेमोनरेशन जो पार्टनर को दिया जा रहा है फर्म के द्वारा वो अलाउड ही नहीं है, ओपनिंग वर्ड की लैंग्वेज है, पर अलाउड है कुछ कंडीशन पूरी कर दोगे तो। बेटा समझ आया नहीं आया, यस सर। सेकेंड, ये इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन वर्किंग पार्टनर को अलाउड है, सैलरी बोनस कमीशन एंड इंटरेस्ट अलाउड है किसी भी पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर जो वर्क करेगा, पहली बात तो बेटा यहाँ पे ये लाइन ध्यान रखिए, जो पार्टनर वर्क कर रहा है, जो पार्टनर वर्क ही नहीं कर रहा उसको तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि डीड भी अलाउड नहीं करती उसको, तो जब पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क ही नहीं कर रहा तो उसको सैलरी किस बात की मिलेगी। और दूसरा इंटरेस्ट तो चलो किसी भी पार्टनर को, वर्क करे ना करे, अगर लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को अलाउड है, पर वो ऑथराइज होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, ऑथराइज, किससे ऑथराइज होना चाहिए, डीड से। बेटा कुछ समझ आ रहा है, कहाँ से ऑथराइज होना चाहिए, डीड से लिख रहा है, तो एक बार देखिए ये क्या होना चाहिए, ऑथराइज, शुड बी ऑथराइज एंड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द डीड टर्म्स ऑफ डीड। बेटा एक घंटा लग गया इस सेक्शन को, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझ के चलिएगा। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट बेटा 12% से ज्यादा नहीं हो सकता,
अगर ज़्यादा दिया है तो वो अलाउड डिसअलाउड हो जाएगा, और डिसअलाउड हो गया तो उस पर टैक्स कौन देगी बेटा? फर्म। ध्यान से सुनते, फिर भाई फर्म ने 50 लाख कमाए, इंटरेस्ट दे दिया था 10 लाख का, पर मना कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसने कहा 5 लाख ही अलाउड होगा, तो बेटा 45 लाख पर टैक्स देना पड़ गया ना फर्म को, 40 की जगह कितने पर देना पड़ गया 45 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट में क्या कहना? नेक्स्ट आइए फोर्थ पॉइंट, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट पढ़िए। कह रहा है जो रेमुनरेशन की पेमेंट है ना वो ज़्यादा नहीं हो सकती द फॉलोइंग अमाउंट से, किससे? इन अमाउंट से। अगर 3 लाख तक के प्रॉफिट है या लॉस है, कितने तक के प्रॉफिट है? 3 लाख तक के प्रॉफिट है या लॉस है तो 1.5 लाख और 90% विच एवर इज हाई। बैलेंस बुक प्रॉफिट पर 60%। सर बुक प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? पहले बुक प्रॉफिट को पढ़ाते हैं, नोट्स बाद में हो। नोट नंबर टू, बुक प्रॉफिट में पहले पूरी PGBP की इनकम निकाल लो, पर ऐड बैक कर देना रेमुनरेशन को, अगर लेस हो रहा है तो सैलरी को ऐड बैक कर लेना, हमने करा था ना, इफ सच अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड, अगर डिडक्ट हो चुकी है। और सेक्शन 2, 10(2)(a) ये भी पढ़ लिया हमने। सेक्शन 10(2)(a) के अकॉर्डिंगली पार्टनर को जो प्रॉफिट मिल रहे हैं फर्म से, बेटा वो पूरे के पूरे इंक्लूड नहीं होंगे इनकम में, वो तो माफ़ है। मेरी बात समझ आ रही है? वो प्रॉफिट पूरे के पूरे माफ़ है। एक बहुत अच्छी बात दे रखी है इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। वेयर एन इंडिविजुअल इन अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, सच पार्टनर विल बी कॉल्ड एज पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। और जो अदर पर्सन है जिसके लिए ये पार्टनर है वो कहलाता है पार्टनर सो रिप्रेजेंटेड। सर क्या इसे समझाएंगे? हाँ बिल्कुल समझाते हैं बेटा, क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिए। यह है पार्टनरशिप फॉर्म, क्या है बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में बेटा मिस्टर एक्स पार्टनर है, राइट, पर मिस्टर एक्स का पहले सिस्टम समझ लीजिए। मिस्टर एक्स एक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर है। सर कितने शेयर होल्डर, कितना शेयर है इनमें? मान के चलो 80% शेयर्स है। बेटा समझ आ रही है? कंपनी के मेन मालिक हैं मुकेश अंबानी है रिलायंस के, समझ गए बेटा? मिस्टर एक्स के पास कंपनी के शेयर भी है 80%। बेटा कंपनी ना, इस फर्म का नाम है ABC एंड एसोसिएट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और कंपनी का नाम है रैलीगेयर। बेटा मिस्टर एक्स रैलीगेयर के भी 80% शेयर होल्डर है, और मिस्टर एक्स कंपनी है ना जो ये रैलीगेयर है, ये बेटा पार्टनर बनना चाहती है कंपनी किसकी? ABC एंड एसोसिएट की। बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी थोड़ी ना बोलेगी मैं पार्टनर बनना चाहती हूँ। कंपनी के बिहाफ पर उसका शेयर होल्डर ही पार्टनरशिप फॉर्म के पास गया। ध्यान से सुनिए, कौन गया? कंपनी के बिहाफ पर पार्टनरशिप फॉर्म के पास शेयर होल्डर। अच्छा ये शेयर होल्डर बेटा यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो भी बातें कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म से, ये अपनी कंपनी के बिहाफ पर नहीं कर रहा? जी सर, कंपनी के बिहाफ पर कर रहा है। और फाइनली पार्टनरशिप फॉर्म ने हाथ मिला लिया और बोल दिया फाइनल डील, फाइनल आज से हम पार्टनर हुए, डील फाइनल। बेटा मेरा क्वेश्चन का जवाब देना, पार्टनर ABC एंड एसोसिएट के जो पार्टनर बने हैं वो रैलीगेयर बनी है या मिस्टर एक्स बने हैं? हाथ तो मिस्टर एक्स में ला के आए, पर किसके बिहाफ पर हाथ मिला के आए? रैलीगेयर के बिहाफ पर। तो बेटा पार्टनर कौन बनी है? रैलीगेयर। मिस्टर एक्स तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? रैलीगेयर को। बेटा आया कुछ समझ नहीं आया? मिस्टर एक्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब मिस्टर एक्स कह रहे हैं मैं ही पार्टनर बनना चाहता हूँ। दोनों पॉइंट्स में फर्क समझिएगा।
अच्छा, मिस्टर एक्स की अपनी भी तो लाइफ है। मिस्टर एक्स द्वारा गए किसी और फॉर्म के पास या इसी फॉर्म के पास, कहने लगे सर जी मैं ही पार्टनर बनना चाहता हूँ, कंपनी नहीं। हालांकि मैं कंपनी, मेरी कंपनी भी है रैली गेयर, पर मेरी कंपनी आपका पार्टनर नहीं बनेगी, मैं पर्सनल आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो इसे बोलते हैं पार्टनर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, पार्टनर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। और इसे क्या बोलते हैं, पार्टनर इन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी। पहले सारी टर्म्स का मतलब समझ आ रहा है बेटा। पार्टनरशिप फॉर्म में मिस्टर एक्स अगर पार्टनर है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म में मिस्टर एक्स अगर पार्टनर है रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी में, तो क्या एक्चुअल में मिस्टर एक्स पार्टनर है? नहीं सर, रैली गेयर, जिस पर्सन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रैली गेयर को। रैली गेयर पार्टनर है हमारे। और मिस्टर एक्स अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है तो कौन पार्टनर है सर? मिस्टर एक्स। पर है तो ये कंपनी के भी मालिक मिस्टर एक्स, कंपनी के भी डिसीजन यही लेते हैं सारे, पर है यहाँ पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर। सर आप हमें इतना ये पढ़ा क्यों रहे बेटा? वही इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन। अगर पार्टनरशिप फॉर्म, अब इन्हें आउटसाइडर बोलना, अच्छा बताओ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इस पहले एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट मान लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, वैसे दोनों एग्जाम्पल में हाथ किसने मिलाया पार्टनरशिप फॉर्म से? मिस्टर एक्स ने, कंपनी हाथ नहीं मिला सकती थी। पर एक में, एग्जाम्पल नंबर टू में मिस्टर एक्स ने जो हाथ मिलाया है फर्म के साथ, वो अपने बिहाफ पर हाथ मिलाया है, यस और नो? अपनी कैपेसिटी में हाथ मिलाया। पर एग्जाम्पल नंबर वन में जो हाथ मिलाया वो कंपनी के बिहाफ पर हाथ मिलाया है। हाथ तो दोनों केस में मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स ही पार्टनर बने फर्म के, पर एक में कैसे बने? कंपनी के बिहाफ पर। और एक में कैसे पार्टनर बने बेटा? अपनी कैपेसिटी के बिहाफ पर। अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा 40B बेटा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को ब्याज दे रही है तो 12% से ज़्यादा ब्याज नहीं दे सकती है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म किसी और को ब्याज दे रही है, आउटसाइडर को, तो बेटा चाहे 25% है चाहे 50% है, जितना भी ब्याज दे रही है उसकी डिडक्शन मिलेगी। पहले लिंक समझ आ रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है, इसको सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, तो बेटा लिमिट है उसके लिए 270 की लिमिट, अभी बताया था 3 लाख का 90%। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म किसी आउटसाइडर को सैलरी दे रही है तो एग्रीमेंट है, अगर वो आदमी तो वो व्यक्ति 50 लाख की सैलरी लेगा और 50 लाख पे हम एग्री करते हैं तो हमें 50 लाख भी देनी पड़ेगी। समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म में पहले एग्जाम्पल में आप लोग बोल के बताएंगे मुझे पार्टनर कौन है, कंपनी या मिस्टर एक्स? हाथ किसने मिलाया है? मिस्टर एक्स ने। पर पार्टनर कौन है बेटा? एक्स पार्टनर बना रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी में, पर पार्टनर तो एक्चुअल में कंपनी है। तो जो भी ब्याज पहले वाले एग्जांपल में फर्म कंपनी के लिए दे रही है मिस्टर एक्स को, दे मिस्टर एक्स को ही रही है ब्याज, पर किसके लिए दे रही है? कंपनी के लिए। उस पर लिमिट लग जाएंगे बेटा 40B की, क्योंकि कंपनी हमारी पार्टनर है। पर जो भी ब्याज मिस्टर एक्स को दे रही है इस एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्स को ही, एक्स के लिए ही दे रही है, तो बेटा कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। मान के चलो एक्स ने लोन दे दिया अपनी तरफ से, तो एक्स को अगर कोई ब्याज मिल रहा है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि फर्म का पार्टनर एक्स नहीं है पहले एग्जाम्पल में, कौन है? इसकी कंपनी। और दूसरे एग्जाम्पल में बेटा फर्म का पार्टनर एक्स है, अगर एक्स को कोई इंटरेस्ट दे रही है तो लिमिट लग जाएगी 40B की। और दूसरे एग्जाम्पल में अगर कंपनी के लिए कोई इंटरेस्ट दे रही है तो कोई लिमिट नहीं लगेगी। आई होप समझ आ गया होगा। आया समझ नहीं आया? तो एक्चुअली में फर्म जो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, एक्चुअली में फर्म जो किसको इंटरेस्ट दे रही है बेटा? पार्टनर को। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मिस्टर एक्स दोनों केसेस में पार्टनर थे। मिस्टर एक्स पहले एग्जाम्पल में हाथ मिला के आए पर अपनी रैली गेयर के बिहाफ, और रैली गेयर ने अगर लोन दिया फर्म को और रैली गेयर ब्याज लेगी फर्म से, तो ऐसे केस में क्या होगा सर? रैली गेयर अगर इंटरेस्ट लेगी तो उस पर लिमिट लगेगी 40B की, उतना इंटरेस्ट अलाउड होगा जितना 40B अलाउड करेगा, और वो कितना करता है? 12% लाएगा एक्स ही ब्याज। रैली गेयर फोन नहीं करेगी, रैली गेयर के ब्याज पर एक्स ही तो फोन करेगा, पर ब्याज किसके लिए मिल रहा है? रैली गेयर के लिए। तो बेटा कितना हो गया? 12% के लिए।
और एक्स ने खुद पर्सनल लोन दे रखा है पहले एग्जाम्पल में, उस पर कोई लिमिट नहीं क्योंकि एक्स पार्टनर अपनी कैपेसिटी में नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल में बेटा जितना भी ब्याज एक्स ले रहा है उस पर लिमिट लगेगी, राइट? अब कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार हम पढ़ते हैं इसे, पढ़िए नोट में, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहले तो इसने डेफिनेशन बताई है और यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है, देखिए पढ़िए, कह रहे हैं ध्यान से, कह रहे हैं वेयर एन इंडिविजुअल इन अ पार्टनर इन अ फॉर्म एज अ पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर मिस्टर एक्स पार्टनर बने पर किसके लिए, रेलीगेयर के लिए, अदर पर्सन के लिए, यस और नो? पढ़ते हैं, फर्म जितना भी इंटरेस्ट देगी मिस्टर एक्स को उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, बेटा उस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी, देखो विदाउट एनी लिमिट। उस पर क्यों लिमिट लगेगी? मिस्टर एक्स को कोई भी ब्याज दे रही है, मिस्टर एक्स तो आउटसाइडर हो गया ना, पार्टनर कौन है, रैली गया। मिस्टर एक्स ने हाथ जरूर मिलाया पर किसके लिए मिलाया, रैली गेयर के लिए, मिस्टर एक्स खुद नहीं है। और दूसरे एग्जाम्पल, इंटरेस्ट फर्म ने पे किया इंडिविजुअल को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, कह दिया अपनी फर्म को दे देना ये ब्याज, ओ सॉरी अपनी कंपनी को दे देना रैली गेयर को, तो बेटा यहाँ पर लिमिट लग गई 40 बी की। आया समझ बेटा? एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पार्टनर कौन है, मिस्टर एक्स, रैली गेयर नहीं है यहाँ पर पार्टनर, रैली गेयर नॉट पार्टनर, यहाँ पर पार्टनर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन, मिस्टर एक्स, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन पार्टनर है, मिस्टर एक्स। अब जितना भी इंटरेस्ट पेड किया इन्होंने इंडिविजुअल को वो अलाउड हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट, फर्म ने इंडिविजुअल को जितना भी दिया डिडक्शन में अलाउड हो जाएगा। अगर ये इंटरेस्ट रिसीव किया है उन्होंने किसके लिए, किसी अदर पर्सन के लिए, मतलब रैली गेयर के लिए ब्याज लिया है तो अलाउड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर कौन है हमारे सच में, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को जो ब्याज देंगे हम उन्हीं के लिए तो 40B लग जाएगा, पर रैलीगेयर के लिए दे रहे हैं तो रैलीगेयर तो अब आउटसाइडर होगी, हमारी पार्टनर है ही नहीं यहाँ पर, मिस्टर एक्स पार्टनर है। आई होप बिल्कुल समझ आ गया होगा, ये बेटा 40B हमारा पूरा हो गया। फाइनली कंक्लूजन हमारा क्या बना, फाइनली कंक्लूड किया हमने, क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन है हमारा कि इंटरेस्ट जितना भी पेड हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन, ये जो भी पेड किया है फर्म ने पार्टनर को, आउटसाइडर को नहीं पार्टनर को, जो भी पेड किया पार्टनर के हैंड में, सैलरी हैंड में, पार्टनर के हैंड में, पीजीबीपी हैंड में टैक्स लग जाएगा, पर जितना 40B में अलाउड हुआ है, जितना अलाउड नहीं हुआ उस पर टैक्स खुद फर्म देगी अपने 28 में। सर 40B अलाउड करता है, पहली लैंग्वेज अलाउड नहीं है, दूसरा वर्ड बोल रहा है अलाउड है पर जितना पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज है, तीसरा बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो अलाउड है 12% तक किसी भी पार्टनर को, और सैलरी वैलरी अलाउड है वर्किंग पार्टनर को, वो भी एक लिमिट के अकॉर्डिंगली, टेबल के अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद नोट्स दिए कि जितना भी प्रॉफिट फर्म से मिलेगा पार्टनर को वो 10-2A में एग्जेम्प्ट है, और बुक प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, सैलरी को लेस नहीं करना, बाकी सब कुछ लेस कर लेना जितना पीजीबीपी में लेस होने लायक है, पर सैलरी लेस मत करना क्योंकि सैलरी की रिडक्शन तो निकाल ही रहे हैं। और फिर इन्होंने वो इंडिविजुअल कैपेसिटी का बताया कि पार्टनर अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, मतलब हाथ आप मिला रहे हैं पर किसी और के बिहाफ पर, तो जिसके भी आप पर आप हाथ मिला रहे हैं वो पार्टनर है, आप नहीं है, तो उसको जितना भी इंटरेस्ट जाएगा उस पर लिमिट लग जाएगी, पर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आपके लिए, आपने लोन दिया है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, और आप खुद पार्टनर है अगर उनके बिहाफ पर नहीं है, आप ही पार्टनर है तो आप पर लिमिट लग जाएगी, उनके लिए नहीं लगेगी। हमने पूरा पढ़ लिया तकरीबन बेटा, 1 घंटा हो गया हमें, सिर्फ हमने एक ही पॉइंट पढ़ाया आज, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन, और आई होप आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। तो हम एक बार बुक में भी देख लेते हैं इस पॉइंट को, वहीं पे चलिए सेक्शन 28 में द्वारा, अपने पेज नंबर 113 पर ही आ जाइए, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन जितना भी पार्टनर को मिला है उस पर बेटा कौन टैक्स देगा, पार्टनर पीजीबीपी है। और इसीलिए आपको एक बात और याद दिलाता हूँ, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम में आपको पढ़ाई थी, रिटर्न ऑफ इनकम में इसलिए जिन फर्म्स का ऑडिट कंपलसरी है उन फर्म की रिटर्न की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, जिनका ऑडिट कंपलसरी, इसलिए उनके पार्टनर की भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाती है। क्यों? पार्टनर का शेयर जब तक फाइनल ही नहीं हो सकता जब तक फर्म के अकाउंट्स फाइनल नहीं होंगे, इसलिए फर्म की भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो पार्टनर की भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाती है ऐसे केस में, राइट, जिसमें ऑडिट हो रहा है।
बेटा सिक्स पॉइंट हमारा हो गया था, सेवन्थ हो गया था, उसके बाद है हमारा एट पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनी सम रिसीव अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी. बेटा सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या, और उससे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है. तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी को भी समझते हैं और की मैन को भी समझेंगे. बेटा हमारा टैक्स ट्रीटमेंट है क्या इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में. हमारा टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा. इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में हमारा टैक्स ट्रीटमेंट है, अगर आपने, आप सबको डिडक्शन में भी पढ़ा है आपने, अगर आप अपना, स्पाउस का या जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, अगर आप उनका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आप सबको पता होगा, और आप प्रीमियम भर रहे हैं, तो बेटा उसकी डिडक्शन मिलती है आपको सेक्शन 80C में. आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 80C में, अगर आप इंश्योरेंस करवाते अपना, डिपेंडेंट लोगों का, अपनी वाइफ का, तो आपको डिडक्शन मिल जाती है डीसी पर. एटीसी की शर्त है डिडक्शन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं देगा, 1.5 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड है डिडक्शन, शायद पता है आपको. यहीं पर साथ में एक और कंडीशन थी पॉलिसी का जो मैच्योर, अच्छा इसी में आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख कमाए, 10 लाख की इनकम ऑन करी, और आपने पॉलिसी में इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया 1.5 लाख, 1.5 लाख लेस हो जाएगा, और आपकी कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा बेटा 8,50,000 डिडक्शन मिल जाएगी आपको 80C में. आई होप क्लियर हो रहा होगा. कहाँ मिल जाएगी डिडक्शन? 80C में. और ना डेटेड, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी के पास हर साल पैसा जमा करते हैं 1.5 लाख हर साल जमा कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, ऐसे करते करते आपने 10 साल तक पैसे जमा करे, तो आपके कितने लाख रुपए जमा हो गए? 15 लाख. आपको मैंने डिडक्शन में भी पढ़ा रखा है. तो जो ये 15 लाख है आपके जमा हो गए, इसका बेटा 10% की लिमिट है, या तो कभी कभी 15% की लिमिट है, या आप डिडक्शन में पढ़ोगे, और कभी कभी 20 की लिमिट है. फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रहे हैं कुछ लिमिट है ऐसा, कि जितना पैसा आपको मिलेगा ना पॉलिसी से बाद में मैच्योर होके, भाई आपने जमा ही कर दिया 15 लाख, तो 5 लाख वो बोनस दे रहे हैं आपको, टोटल 20 लाख रुपए दे रहे हैं पॉलिसी वाले, तो 20 लाख का 10% बन गया 2 लाख, या 15% बन गया 3 लाख, या 20% बन गया 4 लाख. तो आपके प्रीमियम ना किसी भी साल के इनसे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, ऐसा 80C में लिखा हुआ है. मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने जितना भी प्रीमियम जमा किया उस प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी, पर वो प्रीमियम जितना पैसा आपको मैच्योर होके मिलेगा बाद में, जब पॉलिसी आप ओवर हो जाएगी आपकी, मैच्योर हो जाएगी, तो उससे पैसा मिलेगा उस पैसे के 10% से ज़्यादा, या उसके 15% से ज़्यादा, या उसके 20% से ज़्यादा आपका प्रीमियम नहीं होना चाहिए. बेटा क्लियर हो रहा है? अगर आपका प्रीमियम उससे ज़्यादा, तो प्रीमियम की डिडक्शन नहीं मिलती. अगर ये सारी कंडीशन आप पूरी कर देते हैं, तो जो आपको ये 20 लाख रुपए मिला है ना पॉलिसी के बाद में मैच्योर होके, ये भी बेटा एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1010D में. ये भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1010D में. सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का ही है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले सेक्शन 102A पढ़ा, उसमें भी माफ है पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है. सेम बेटा यहाँ पर सेक्शन 1010D में ये क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट. आई होप यू गॉट इट. मैं एक बार स्पीड से बोल देता हूँ, आप इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी इंश्योरेंस जमा कर रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस आपका डिडक्टेबल होता है सेक्शन 80C में, डिडक्शंस में, ग्रॉस टोटल इनकम में से, PGBP में से नहीं, तो सारी हेड की इनकम निकाल कर उसमें से लेस करें. और ये मैच्योर होके जो भी पैसा मिलेगा, अगर किसी भी साल का प्रीमियम 10% या 15, कब सर 10 होता है कब 15 होता है, ये 80C में पड़ेंगे आप. इन लिमिट से ज़्यादा नहीं दिया आपने प्रीमियम, तो बेटा जितना भी पैसा आपको मिलेगा मैच्योर होके, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1010D.
मोटा माटी मैंने आपको थोड़ा सा पॉलिसी बताई, हालांकि डिडक्शन में आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक समझ आया? अब बेटा की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ध्यान से समझिए। एक मिस्टर एक्स है जो कि बिजनेस करते हैं। मिस्टर एक्स के एक बहुत खास एम्प्लॉई है मिस्टर वाई, बहुत अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच, गुड रिलेशन, मतलब एक दूसरे की बिल्कुल बात मानते हैं, मतलब बॉस और एम्प्लॉई में अच्छा रिलेशन बहुत बड़ी बात है, राइट। दूसरा एक डायरेक्टर भी है इनके, मिस्टर एक्स बिजनेसमैन है, कंपनी है इनकी अपनी या कुछ भी मान लीजिए, एक इनके डायरेक्टर भी है कंपनी में, डायरेक्टर कह लीजिए, जो बीच बीच में आते हैं कभी और कंपनी को कुछ कंसल्टेंसी देते हैं, उसकी फीस ले जाते हैं कंपनी को या बिजनेसमैन को भी, इसलिए मैंने डायरेक्टर भी लिख दिया कंसल्टेंट भी, क्योंकि कंपनी होगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर फिर मिस्टर एक्स क्यों लिखा, इसे मैंने लिख दिया अगर ये कंपनी है तो उसका कोई डायरेक्टर है, और कंपनी नहीं है तो कंसल्टेंट है कोई जिसको फीस जाती, इससे भी बहुत गुड रिलेशन है बेटा। इसकी जो फीस की इनकम होती है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की जो इनकम टैक्सेबल होती है वो सैलरी हेड में होती है, और मिस्टर एक्स के एक दोस्त हैं दूसरे बिजनेसमैन मिस्टर जेड, ये भी एक बिजनेसमैन है, इनसे इनको ना बहुत सारे गुड्स बेचते हैं मिस्टर एक्स, गुड्स सोल्ड करते हैं, और मिस्टर जेड जिनको ये गुड्स सोल्ड करते हैं ना इनसे भी इनका गुड रिलेशन है। मैं ये गुड रिलेशन क्यों बोल रहा हूं हर किसी को, क्योंकि प्लानिंग ही तब हो सकती है जब बेटा रिलेशन अच्छा हो, इसीलिए तो ये सेक्शन बना है जो सेक्शन 28 का नेक्स्ट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं, इससे भी गुड रिलेशन है इससे भी, इनकी इनका जो पैसा देते हैं, देखो मिस्टर एक्स एक तरीके से पेयर हो गए, पेमेंट देते हैं, ध्यान से समझिए, मिस्टर एक्स पेयर हो गए, अगर ये मिस्टर वाई को जो भी पेमेंट देंगे बेटा तो मिस्टर एक्स के लिए तो एक्सपेंस है ही है, पर मिस्टर वाई के लिए वो सैलरी है, गॉट इट। ये मिस्टर एक्स जो इस कंसल्टेंट या डायरेक्टर को पैसे देंगे, मिस्टर एक्स के लिए तो एक्सपेंस है ही है, पर इनके लिए कंसल्टेंट के लिए अदर सोर्सेस की इनकम। मिस्टर एक्स जो इनको गुड सोल्ड कर रहे हैं, इनसे तो पैसा लेंगे, मैंने गुड सोल्ड बोल दिया, गुड परचेज बोल देते हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, इनको भी जो पैसा देंगे मिस्टर एक्स मिस्टर जेड को जो पैसे देंगे बेटा, मिस्टर एक्स के लिए तो खर्चा अलाउड है, परचेज किया है, पर मिस्टर जेड की पीजीबीपी की इनकम होगी। पहले यहां तक के लिए मैंने क्या बोला, ये मिस्टर एक्स एक मिस्टर जेड से गुड्स परचेज करते हैं, जिनसे वो गुड्स परचेज करते हैं, ध्यान से, जिनसे वो गुड्स परचेज करते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर जेड से गुड्स परचेज करते हैं, उन्हें भी पेमेंट देंगे, उन्हें जो पेमेंट देंगे बेटा वो मिस्टर एक्स के लिए खर्चा अलाउड है, पर मिस्टर जेड के लिए तो वो इनकम है, कहाँ पर, पीजीबीपी में। मिस्टर एक्स का एक एम्प्लॉई था मिस्टर वाई, उन्हें भी वो पैसे दे रहे हैं, उन्हें जो वो पैसे दे रहे हैं बेटा वो अलाउड है मिस्टर एक्स को तो पीजीबीपी में, पर मिस्टर वाई की सैलरी है, और मिस्टर एक्स जो कंसल्टेंट या डायरेक्टर को पैसे दे रहे हैं वो अलाउड है, पर उनकी अदर सोर्सेस। अब देखिए प्लानिंग क्या करी इन्होंने, और इस प्लानिंग की वजह से ये बन गया, क्या बना बेटा, मिस्टर एक्स को जो मिस्टर वाई है इनके साथ अच्छे रिलेशन, अब मिस्टर वाई को पहले अलग से डील कर, पहले मिस्टर जेड को डील करते हैं। मिस्टर जेड ने जो गुड्स बेचे थे ना मिस्टर एक्स को, मिस्टर जेड ने जो गुड्स बेचे थे किसको, मिस्टर एक्स को, उसके पैसे भी तो लेंगे मिस्टर जेड, उन गुड्स की कीमत बता देता हूँ मैं, वो गुड्स खुद मिस्टर जेड ने 10 लाख रुपये के खरीदे थे और गुड्स 11 लाख रुपए में बेच दिए, किसको, मिस्टर एक्स, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, किसने, मिस्टर जेड ने, मिस्टर जेड ने कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए बेटा, कितने लाख रुपए लेने थे मिस्टर एक्स से, 11 लाख, तो मिस्टर जेड ने क्या चालाकी की,
मिस्टर एक्स को फ़ोन किया, गुड रिलेशन है, कि तुम ना मुझे 11 लाख की जगह 10 लाख रुपए ही देना, मैं अपनी सेल 10 लाख रुपए ही दिखाऊंगा। सेल 10 लाख होगी, परचेज 10 लाख रुपए होगी, बेटा टैक्स कितना बना मिस्टर जेड पर? जीरो। और जो 1 लाख रुपए है ना यार, उसका ना मेरा इंश्योरेंस करा देना और इंश्योरेंस के पेपर भेज देना करा के। कुछ समझ आ रहा है आपको बेटा? कर दिए प्लानिंग? क्या प्लानिंग कर दी? कुछ क्लैरिटी हो रही है? 10 लाख रुपए का माल 11 लाख रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 11 का। पैसे 10 लाख रुपए ही लिए और 1 लाख रुपए का क्या मांग लिया? इंश्योरेंस। कह रहे तुम ना मुझे मेरा इंश्योरेंस करा के दे देना। अब बेटा ध्यान से सुनिए, इंश्योरेंस के पेपर ले ले, पैसे तो पूरे 11 आ गए। अब इनकम टैक्स भी देख रहा और इंश्योरेंस की डिडक्शन भी ले लेगा ये ATC में मिस्टर जेड। और जब इंश्योरेंस का पैसा जुड़ जुड़ कर बाद में आएगा, अब अगले साल 1 लाख रुपए मिस्टर जेड ने खुद भर दिया, उसके बाद खुद भर दिया, हर साल मिस्टर एक्स से ऐसे ही ले लेता है ये पैसे, 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरवा देता है। बेटा कुछ समझ आ रहा है? हर बार मिस्टर एक्स से कह देता आप प्रीमियम भर दो मेरा 1 लाख रुपए। ऐसे कर करके इनके अकाउंट में, मिस्टर जेड के अकाउंट में 20 लाख रुपए पहुंच गया इंश्योरेंस का, या 15 पहुंचा, पर इंश्योरेंस कंपनी अब 20 देगी विद बोनस। तो बेटा ध्यान से सुनिए, आज जब ये 20 लाख रुपए मिलेगा ना मिस्टर जेड को मैच्योर हो गए, ये 1010D में एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, अभी बताया था, अब एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अब ये इनकी PGBP की इनकम हो गई। एक तरीके से PGBP की इनकम ही को तो धीरे धीरे डाइवर्ट किया था इन्होंने, यस और नो? बिजनेस की इनकम को धीरे धीरे डाइवर्ट कर दिया था इंश्योरेंस के पास, बाद में निकाल लिया। और देखिए अभी नहीं लगा रहे, 1-1 लाख रुपए पर नहीं लगा रहे, कह रहे जब निकालोगे ना, जब पैसा निकालोगे इंश्योरेंस से मैच्योर हो गए तब लगाएंगे टैक्स। बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब लगाएंगे तो लाख रुपए पर टैक्स कम बनेगा, स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा भाई, और 20 लाख रुपए होंगे तो स्लैब भी क्रॉस कर जाएगा। बेटा इसी प्रकार सैलरी वाले ने बोला, बॉस आप ना मेरा इंश्योरेंस करवा दो। तो ये भी जब पैसे निकालेगा बेटा, इसकी सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? सैलरी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकाले। ऐसे ही डायरेक्टर था, इसने बोला मिस्टर एक्स तुम ना मुझे 1-1 लाख के इंश्योरेंस देते रहो फीस में मेरी। तो ये भी जब निकालेगा पूरी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने जिनसे आपके गुड रिलेशन थे उनके साथ गुड रिलेशन बनाकर इंश्योरेंस कराया, और इंश्योरेंस करके बेटा जब आप पैसा निकालेंगे, पैसा आउट करेंगे, विड्रॉ करेंगे वहाँ से, तो टैक्स लगेगा। बेटा जब मैं पढ़ता था तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। देखिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा निकालने पर, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जब हम पैसा निकालते हैं तो टैक्स लग जाएगा PGBP में, अदर सोर्सेज में और सैलरी में। मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सोचता था PGBP में नहीं लग पा रहा ना, इसलिए सैलरी में लग गया, सैलरी में नहीं लग पा रहा ना इसलिए अदर सोर्सेज में लग गया, ये सैलरी में भूल गए थे। पर नहीं बेटा, तीनों अलग अलग रिलेशन है। इसको कहानी को शिक्षा के रूप में पढ़ते, अगर देखो तीनों अलग अलग रिलेशन को ध्यान से पढ़ते क्या कह रहा है। अगर एक बिजनेसमैन ने किसी दूसरे बिजनेसमैन का, अगर एक बिजनेसमैन ने किसी दूसरे बिजनेसमैन का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस पेपर दे दिए उसे, तो उस बिजनेसमैन की जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी, मतलब आप एज अ बिजनेसमैन अगर मैच्योर करके जो भी पैसे ले रहे हो PGBP में टैक्सेबल होंगे सेक्शन 28 में, 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। अगर एक एम्प्लॉई ने अपने बॉस को बोलकर अपना पैसा जमा करवाता रहा, कहाँ पर जमा करवाता रहा? अपने बॉस को बोलकर सारा पैसा जमा करवाता रहा बेटा इंश्योरेंस में, और बाद में निकाला, एक तरीके से सैलरी तो इकट्ठी हो गई, ये जो भी पैसा मिलेगा ये पूरा का पूरा बेटा टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी। और सेम अगर किसी और रिलेशन में थे आप, डायरेक्टर में या कंसल्टेंट में, या जिनकी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही थी और आपने सारा इंश्योरेंस करवाया, वो सब टैक्सेबल कहाँ होगा? अदर सोर्सेज में। तो बेटा ये तीनों जगह मिलेगा आपको, PGBP में भी, सैलरी में भी और अदर सोर्सेज। अब जब मिले आपने कन्फ्यूज नहीं होना है उसमें, राइट? जब मिलेगा आपने उस वक्त कोई कन्फ्यूजन नहीं लानी, अब आपको समझ आ गया होगा। पर अभी तो हम यहाँ का पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर लिख रहा है एनी सम रिसीव अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी
इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड, ये बोनस के साथ हमने 15 लाख तो जमा ही कराया था और प्लस में 5 लाख हमें बोनस दे रही है पॉलिसी, टोटल 20 लाख रुपए जो मिल रहे हैं बेटा ध्यान रखें उन पर टैक्स नहीं लगेगा। और कह रहे हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, कह रहे हैं आप पढ़ लेना सेक्शन 10-10D में। बेटा क्लियर हो गया, 10-10D में माफ़ नहीं होगा, ऐसी सैलरी वाला सैलरी में हो जाएगा और अदर सोर्सेज वाला अदर सोर्सेज। बेटा पॉइंट नंबर 9, एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय। अब कॉम्पनसेशन किस बात का दे रहे हैं पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं अगर आपको कोई भी कॉम्पनसेशन या अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय, आपको ड्यू हो गई है या और रिसीव्ड हो गई है, किसके द्वारा रिसीव हो गई है, ड्यू टू या और रिसीव बाय, या तो ड्यू टू को ही पढ़ोगे, ड्यू टू मैनेजिंग अफेयर। बेटा ध्यान से सुने, अब ड्यू टू से पढ़ते हैं, एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू मैनेजिंग अफेयर ऑफ इंडियन कंपनी, अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी है तो इंडिया के अफेयर मैनेज कर रहे हैं और इंडियन कंपनी है तो उसके अफेयर मैनेज कर ही रहे हैं, और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ इस मैनेजमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर, मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू। बेटा ये कहना चाह रहे हैं जो इंडियन कंपनी है उसके मैनेजिंग कर रहे हैं आप, अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला भैया टाटा कंपनी से आपकी सारी कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है वो मैं देख लूँगा, समझ रहे हैं, जब टाटा का मैनेजमेंट सारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट अभी तक एक्स कंपनी के पास था, अब हम उस एक्स कंपनी से मना कर रहे हैं भैया तुम मत करो हमारा मैनेजमेंट वापसी दे, वो कंपनी कह रही है जी हमें तो कॉम्पनसेशन दो इस बात का, हम तो बैठे हुए थे हमारे भी तो बच्चे हैं, हम तो तुम्हारे इस मैनेजमेंट के चक्कर में बैठे हुए थे कि हम मैनेजमेंट करेंगे इनकम होती रही, अब आप हमें कॉम्पनसेशन दो। तो बेटा उन्हें जो भी हम कॉम्पनसेशन देंगे तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा उनके लिए, पीजीबी में, मतलब किसी व्यक्ति को पूरा मैनेजमेंट का पैसा मिल रहा है, मैनेजमेंट करना था हमें मैनेजमेंट करने का पैसा मिल रहा है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है या नॉर्मली पेमेंट मिल रही है, देखो कॉम्पनसेशन ही मत रखना। मैंने बोला कि आपका पूरा एनएमसी मैं संभाल लूँगा, इसका पर 5 करोड़ रुपए लूँगा साल का, तो ये 5 करोड़ रुपए जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे ताज होटल को मैनेज करने लगे ओबेरॉय या ओबेरॉय को मैनेज करने लगे ताज, ताज जो भी पेमेंट देगा ओबेरॉय को मैनेजमेंट करने के लिए तो ओबेरॉय की वो क्या इनकम होगी, बेटा वो इनकम होगी पीजीबी की, कुछ समझ आया, या मैनेजमेंट हम छुड़वा रहे हैं किसी को, कॉम्पनसेशन दे रहे हैं तुम यहाँ का मैनेजमेंट छोड़ो, तुम नहीं करोगे ये मैनेजमेंट, जैसे ऑलरेडी मैं अपनी कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा हूँ, किसी ने बोला सर आप नहीं करोगे मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, गवर्नमेंट प्लांट में होता है कि भैया ये वाला मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो हम आपको इसके पैसे दे देंगे, कॉम्पनसेशन दे देंगे, तो ऐसे केस में बेटा पीजीबी की इनकम हो जाती है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं टर्म्स में, टर्मिनेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट को हटा रहे हैं, हम कहीं से मैनेजमेंट हटा रहे हैं तो कॉम्पनसेशन देंगे, खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बेटा अदर पेमेंट देंगे, समझ आ गया आप, 4 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, मैं आपकी कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ 5 करोड़ लूँगा तो आपने कह दिया मेरी 5 करोड़ की इनकम पीजीबी की, आपकी कंपनी फॉरेन है फॉरेन कंपनी, मैं इंडिया वाले अफेयर मैनेज कर लूँगा आपकी, जो इसकी इनकम होगी बेटा पीजीबी की, आया समझ नहीं आया। नंबर 3, आप मैं मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहा था आपका, आपने कहा मित्तल साहब आप मैनेजमेंट छोड़ दो, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा तो वैसा मेरे को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आपने कहा वो नुकसान सारा हम भरेंगे, गवर्नमेंट ने कहा उनसे, समझ आ रहा है, जैसे मारुति का मैनेजमेंट सुजुकी कर रही है, सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला सुजुकी से तुम अलग हो जाओ, कुछ भी मान लीजिए, तो ऐसे केस में बेटा मैनेजमेंट छोड़ने के लिए जो टर्मिनेट करने के लिए जो कॉम्पनसेशन देंगे वो भी हमारे, या मॉडिफाई कर दिया, एक काम करो जितनी भी एसयूवी गाड़ी है उनका मैनेजमेंट तुम कर लो, बाकी जितनी भी सेडान गाड़ी है उनका मत करो, मॉडिफिकेशन कर दी, इसके लिए मैंने कहा मैं 5 करोड़ रुपये लूँगा फिर, क्योंकि आप मेरे से काम ले रहे हो आपसे, टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबी। बेटा अगर आप किसी की एजेंसी ले रहे हो, होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया, आजकल किसी की एजेंसी लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, जैसे मैंने सपोज करिए फिलिप्स की एजेंसी ली, फिलिप्स के टीवी बेचने के लिए, फिलिप्स के एलईडी बेचने के लिए, तो फिलिप्स कंपनी को मैंने 1 करोड़ रुपए दिया कि आपके टीवी एक्सक्लूसिवली फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में मैं ही बेचूंगा,
तो फिलिप्स को जो 1 करोड़ मिला एक साथ, ये बेटा कहाँ की इनकम हो जाएगी? पीजीपीपी की। कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी, बेटा फिर वही आ गया, एजेंसी छोड़ने के पैसे। बेटा मैं एजेंसी ले रखी है, मैंने फिलिप्स एजेंसी किसी एक्स को और दे रही है, मैंने कहा उसकी एजेंसी टर्मिनेट करी है, या हमने मिस्टर एक्स को बोला आप एजेंसी छोड़ दीजिए, हम आपको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए का। बेटा ये भी कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर एक्स के लिए जो एजेंसी छोड़ रहे हैं? पीजीबीपी या मॉडिफिकेशन, फिर वही बात, एजेंसी में हमने बोला आप एलईडी बेच लीजिए पर आप प्रोजेक्टर नहीं बेचोगे फिलिप्स के, तो कह रहा है प्रोजेक्टर नहीं बेचेंगे तो हमारा कितना बिजनेस लॉस होगा, हम तो प्रोजेक्टर में ही कमाते थे, तो हमने कहा जो लॉस होगा वो हम देंगे। तो बेटा उनकी इनकम किसमें हो गई? पीजीबीपी। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था हमारा, कोई भी अफेयर्स वगैरह मैनेज, दूसरा एजेंसी को लेकर है, तीसरा देखते क्या है, कह रहे हैं एनी पर्सन फोर और इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन एनी कोऑपरेशन ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा पॉइंट गवर्नमेंट को लेकर है बेटा, ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मतलब बेटा गवर्नमेंट के अफेयर्स मैनेज कर, कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की, आपने कहा हम करा देंगे इसको, मैनेजमेंट हम करा देंगे, ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस, किसी प्रॉपर्टी को या बिजनेस को, देखो एनी पर्सन ऊपर चल रहा है, एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू, किसको ड्यू टू या रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन एनी कॉर्पोरेशन ऑर्डर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस, किसी भी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए अगर हम पैसे दे रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास बेस्ट पड़ा है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उनको मैनेज करने के लिए पैसे भी दे रहे हैं, वो कॉम्पनसेशन भी कहाँ पर टैक्सेबल होगा, वो पैसा भी कहाँ पर टैक्सेबल होगा पर्सन के द्वारा? मैंने जैसे गवर्नमेंट से कहा आपकी रेलवे को मैं मैनेज कर सकता हूँ, समझ लें आपकी पूरी रेलवे को, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है रेलवे को मैनेज करो, मैं 5 करोड़ रुपये साल के देंगे, 5 करोड़ रुपये की इनकम मेरी कहाँ है पीजीपी बेटा? नेक्स्ट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, किसी भी नाम का पर्सन, इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन, पैसा किससे रिलेटेड ले रहा है? विद द टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज बिजनेस, बेटा ये भी पीजीबीपी में टैक्सेबल। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, ध्यान से सुनिएगा, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, सर क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कुछ भी, अब वो गुड्स नहीं दे पाया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो बेटा आपको कॉन्ट्रैक्ट एक तो बहुत बेहतर पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, मैं 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 को आपको मैं 1 किलो गोल्ड बेचूंगा इस रेट में, अब वो नहीं दे पाया गोल्ड, तो बेटा वो कॉम्पनसेशन लेगा ना बी से, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कॉम्पनसेशन लेगा, अगर वो नहीं दे पाया तो ये देगा कॉम्पनसेशन, ए नहीं दे पा रहा गोल्ड तो ए कॉम्पनसेशन देगा, और बी नहीं पैसे दे पा रहा तो बी कॉम्पनसेशन देगा। तो बेटा जो भी कॉम्पनसेशन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर हमें मिल रहा है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा इसलिए हमें किसी ने कॉम्पनसेशन दिया, वो कॉम्पनसेशन भी कहाँ पर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर कोई पैसा अगर हमें मिल रहा है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल है, और जिसने पैसा दिया है उसको एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा पीजीबीपी में, लेकिन कोई लॉ तोड़ने पर पैसा दे रहा है, इसने लॉ तोड़ा है समझ रहे, और हमें पैसा मिल रहा है क्योंकि इसने लॉ तोड़ा है, बड़ा ध्यान से मैंने क्या बोला है, कॉम्पनसेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का है, किस चीज़ का है? अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और तो हमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर हमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है, ध्यान से सुनिए, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अगर लॉ तोड़ने पर है तो एक्सपेंस अलाउड नहीं है, इलीगल पेमेंट हो गई नहीं, और इलीगल पेमेंट सर इनकम टैक्स होगी नहीं, बेटा इनकम तो कहीं से भी हो इनकम टैक्स छोड़ेगा नहीं, चाहे लॉ तोड़ने पर इनकम हो रही है चाहे कैसे भी, इनकम अगर प्रूफ हो गई इनकम है, अनएक्सप्लेन इनकम पर तो और हायर टैक्स लगते हैं, आप बता ही नहीं पा रहे इनकम कहाँ से है। ये एग्जांपल आप खुद पढ़ लीजिएगा, किसी कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था तो उसने कॉम्पनसेशन देना पड़ा, कॉम्पनसेशन डिडक्शन मिल गई और सामने वाले को ये पीजी, देखो एसएससी ने 8.5 लाख रुपये मांग लिए थे सप्लायर से कि भैया कॉम्पनसेशन दे, तो ये 8.5 लाख रुपये पीजीबीपी की इनकम होगी,
এটা পয়েন্ট নম্বর 10 এনি সাম রিসিভড অর রিসিভেবল ইন ক্যাশ অর ইন কাইন্ড আন্ডার অ্যান এগ্রিমেন্ট ফর বেটা আমি কই ভি পয়সা মিল রা হ্যা মিল জায়েগা কিস ওয়জহ সে কই হামসে কহ রা হ্যা আপ ইয়ে অ্যাক্টিভিটি মত করো ইন রিলেশন টু এনি বিজনেস অর প্রফেশন নন কম্পিটিটিং ফিস রিসিভ হো রহি হ্যা হামে বেটা জেসে হামারা সেন্টার হ্যা কিসি টিচার নে মুঝে বোলা সর আপ আপনা না পেন ড্রাইভ মত লঞ্চ করো মে আপকো 1 কারোড় রুপে দুঙ্গা মানে কা মে লঞ্চ নি করুঙ্গা মে তো বহুত পয়সা কামাউঙ্গা अगर है कि आप लॉन्च मत करो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा जो 1 करोड़ रुपए मुझे मिलेगा एक पीजीबीपी की इनकम है क्योंकि नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी वो टीचर कह रहा है मेरे से कंपटीशन नहीं होगा आपका तो बेटा एक्सेप्शन लेकिन कभी कभी एक मिनट ध्यान से सुनिए कोई भी सम रिसीव हुआ तो पीजीबीपी में टैक्सेबल है एक्सेप्शन का मतलब है पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है बेटा ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर ऐसी चीज पर टैक्स ऑलरेडी लग गया अंडर द हेड कैपिटल गेन पढ़ खुद लेना जैसे किसी ने मेरे से बोला मैं आपको कॉम्पनसेशन दे रहा हूँ आप अपना ये चीज़ मत बेचो और कैपिटल गेन के चैप्टर ने उस पर टैक्स लगा दिया सर कैपिटल गेन में कैसे लग जाएगा वो कैपिटल गेन में पढ़ेंगे पर अगर किसी कारण से कैपिटल गेन में लग गया इस अमाउंट पर टैक्स तो दो दो बार टैक्स थोड़ी ना लगेगा बेटा नहीं लगेगा दूसरा एनी सम रिसीव्ड एज कॉम्पनसेशन अगर हमें कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है from the multilateral fund of the Montreal Protocol on the substances that deplete the ozone layer beta kuch bhi samajh nahi aayega aise to pehle isko samajhna padega kya mil raha hai bas khatam kar rahe hain aaj ki class ke lecture ko 10 minute aur padhna hai aapne dhyan se beta koi bhi sum receive ho raha hai as a compensation from the multilateral fund dhyan se suniyega aapko pata hoga suraj ki para baingani kirnon ko hamare upar agar pad jaye suraj ki direct kirne to beta kharab ho jayenge bahut दूषित किरणें होती है डायरेक्ट पड़ गई इसीलिए ना बीच में ओजोन लेयर पड़ी हुई है छलनी पड़ी हुई है जैसे चाय को छानते हैं पत्ती नहीं आती उसको ऐसी छलनी लगी हुई है ओजोन लेयर में छोटे छोटे छेद हैं बेटा ध्यान से सुनिएगा इसको समझना आना चाहिए आपको क्या कहना चाह रहा मैं क्या कहना चाह रहा बेटा सूरज की किरणें अगर डायरेक्ट हम पे पड़ गई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सूरज की पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन लेयर बिछी हुई है अब ओजोन लेयर में छलनी है छोटी छोटी आपको पता होगा जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं ये धुआं छोड़ती हैं तो ये ना एक सब्सटेंस पैदा करती हैं CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन जिससे ना जो ये छलनी होती है बंद हो रही है धीरे धीरे अभी छलनी बंद हो रही है तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को कौन सा सब्सटेंस CFC वगैरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो समझ आ रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है ये ना इसको दूषित कर रहे हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं अब बेटा ओजोन लेयर पे केवल कोई इंडिया का हक तो ही नहीं है छलनी तो पूरी पृथ्वी पर बिछी हुई है ऊपर तो सारे देशों की मीटिंग हुई कहाँ पर हुई मॉन्ट्रियल कंट्री में मॉन्ट्रियल के देश में मीटिंग हुई उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली और सारे देशों ने मिलकर कुछ पैसा रखा उस मीटिंग में और कहा कि हम अपने अपने देश में इस मल्टीलेटरल फंड में से पैसा निकालकर बिजनेसमैन को देंगे और कहेंगे कि आप ना अपनी फैक्ट्री को कुछ इस तरीके से चलाओ बेटा फैक्ट्री तो बंद नहीं की जा सकती सर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो सारी फैक्ट्री बंद करा दो तो लोग भूखे मर जाएंगे आटा नहीं बनेगा चावल नहीं बनेगा फैक्ट्रियाँ बंद थोड़ी ना हो सकती और फैक्ट्री चालू रहेंगी तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो वैसे मर जाएंगे तो इन्होंने बोला हर गवर्नमेंट ने अपने देश के लोगों को कि ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो ऐसा सब्सटेंस आप पैदा कम करें ऐसी मशीनें लगाएं जिससे वो सब्सटेंस कम पैदा हो आप ये एक्टिविटी ना करें कम करें और कुछ ऐसा करें कि ये सब्सटेंस पैदा ना हो और हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे इस बात का तो ये इनकम कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी बेटा पीजीबीपी अब समझ आ जाएगा अगर किसी भी बिजनेसमैन को पैसा रिसीव हो रहा है कहाँ से मल्टीलेटरल फंड में से किसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली इस देश के कानून के अकॉर्डिंगली किस वजह से ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर क्या आप ओजोन लेयर जिससे डिप्लीट हो रही है उसे पैदा ना करें अंडर द UNEP के यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हम आपको पैसा देंगे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली तो बेटा ये पैसा PGBP में टैक्सेबल होता पर अब टैक्सेबल नहीं होगा एनकरेज कर रहे हैं लोग ये सब्सटेंस पैदा ना करें लास्ट में बेटा कोई भी नाउ हाउ पेटेंट कॉपीराइट जैसे किसी ने बोला नीरज मित्तल सर आप ना अपना नाम मत शेयर करना इस व्यक्ति के साथ मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ
तो बेटा ये भी मेरा पी जी बी पी टैक्सेबल हो जाएगा। मेरा नेम कैप गुडविल कैप कॉपीराइट पे यूज़ ना करूँ तो पी जी बी पी टैक्सेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रेडेड एज कैपिटल असेट डिटरमाइंड इन द प्रेस्क्राइब मैनर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कैपिटल गेन के चैप्टर में, आप सब ने पढ़ा भी था, कैपिटल गेन में हमने डिस्कस कर लिया था। कोई भी इन्वेंट्री, मैं फिर भी डिस्कस कर देता हूँ, कोई स्टॉक हमने खरीदा, सोफा सेट खरीदा बेचने के लिए 10,000 रुपये का, थोड़े दिन बाद एक साल बाद खुद हमें अच्छा लगा ये सोफ़ा कि हमने अपने कैबिन में ही बिछा लिया, तो बेटा ये कन्वर्ट नहीं करती इन्वेंट्री हमने कहाँ पर, कैपिटल असेट। जिस दिन कन्वर्ट की उस दिन अगर हम इसे बेचते तो ये 16,000 में बिक जाता, पर हमने तो इसे अपने कैबिन में रख लिया तो बेटा 6,000 पर टैक्स लग जाएगा पी जी बी में। क्लियर हो गया? ये 35AD वाला हम डिस्कस करेंगे 35AD में, ये वहीं पर डिस्कस करेंगे अभी। और नोट है एक, प्रोफेशनल फीस रिसीव बाई एन असेसी आफ्टर एलिवेशन, एलिवेशन होता है छोड़ने के बाद, कौन सी पोस्ट, जज की पोस्ट छोड़ने के बाद अगर कोई प्रोफेशनल फीस रिसीव हो रही है, जज की पोस्ट छोड़ने के बाद अगर आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं होगी। सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं बेटा, गुजरात हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ, रिटायर होते होते वो एक ऑर्डर दे गया, रिटायरमेंट के बाद फीस टैक्सेबल नहीं है, इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। और ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, पूरे देश का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है बेटा। चलिए हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए आज की क्लास को, अब हम यहाँ ओवर करने जा रहे हैं, 1.5 घंटे की हमारा लेक्चर है ये, प्लीज़ देखिएगा। हमने सेक्शन 28 को पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया, एक पॉइंट को छोड़कर पॉइंट नंबर 12 को, आप इसे डिटेल में पढ़िएगा बेटा, और कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, पर अच्छे से करिएगा इसे। ध्यान रखिए सेक्शन 28 पूरा का पूरा आपको हर जगह हर सेक्शन में काम आएगा, इसलिए आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए सेक्शन 28। चलिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, थैंक यू।